First Choice Kids Wear रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस कोरोना काल में चाहे ईद हो या फिर बकरीद या फिर होली या दीपावली, सभी त्योहारे फीके पड़ चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में जहां लोग परेशान हैं, वहीं जिस तरह से लॉकडाउन जारी किया गया है, जो नियम लागू किया गया है, लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। ज़रूरी काम है तभी वो निकलें, लेकिन जिस तरह से त्यौहार, जो एक महीने का रमज़ान का महीना चल रहा था, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से रमज़ान का महीना जो है अब वो ख़त्म होने वाला है और ईद का त्यौहार जो है वो आने वाला है, लेकिन ईद के त्यौहार को भी लेकर जो है बड़ी ही सख्ती बरती जा रही है। शासन प्रशासन के लोग बड़े ही मुस्तैद हैं। जिस तरह से ईद की नमाज़ जो है मस्जिद में पढ़ाने की बात सामने आ रही थी, कि शहर में एक बात चल रही थी कि ईद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ाई जाएगी, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन में कल जो है मुमरा शहर के उलमा इकराम पहुँचे थे बड़ी संख्या में, और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट से उन्होंने मुलाकात की और ख़ास तौर पर ईद की नमाज़ को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की गई। मुमरा पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ हैं, उन्होंने बताया कि जो सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक आप मस्जिद में जो है नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। जो भी इबादत करना है आपको, वो अपने घर से इबादत कर सकते हैं। बहरहाल कल मुमरा पुलिस में ईद के दिन बड़ी पुलिस का जो है बंदोबस्त लगाया जाएगा, SRP की टीम भी मुमरा शहर में लगाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह का हालात खराब ना हो, माहौल ना बिगड़े। बहरहाल जो रमज़ान एक महीने का था, वो बड़े ही सादगी के साथ मुमरा शहर में जो है लोगों ने रोज़ा रखे, एहतराम किया, और अब ईद का त्यौहार है, ऐसे में पुलिस का बंदोबस्त लगा रहेगा। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईद की नमाज़ जो है वो अपने घरों में रहकर ही पढ़े, अपने घरों में ही रहकर इबादत करे, बेवजह बाहर ना निकले। और कल पुलिस का जो है भारी बंदोबस्त मुमरा शहर में लगेगा, SRP की टीम भी मौजूद रहेगी, और पूरी जानकारी मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ ने दी है, आप सुनिए। सर, कल जो है कुछ माओं के साथ यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन में मीटिंग ली गई थी, जिस तरह से ईद की नमाज को लेकर शहर में चर्चा है कि क्या मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। पहले तो मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान कल तक या आज तक अभी तक सभी शांतिपूर्ण मनाया गया है मुमरा में। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जो जारी किया है, उसमें नमाज जो है वो अपने घर पे ही करना है, नमाज मंदिर इसमें मस्जिद में होगी नहीं। और वही सभी उलेमा को हमने वही मीटिंग लेके वही बताया है। कल नियर अबाउट हमारे 25 ऑफिसर से और हमारे 200 जवान यहाँ लगाए हुए, SRPF का एक प्लाटून भी हमें एक्स्ट्रा मिल गया है, और कल सभी हमारे CP साहब के से लेकर सभी हम लोग बंदोबस्त में रहने वाले। कल